रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला दे एमरजेंसी वार्ड के विच अज असीं आए हां। इस एमरजेंसी वार्ड नूं पिछले दिनी साडे सिहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर सुधीर और उन्होंने सारा स्टाफ जिहड़ा है उन्होंने अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। बहुत सारिया फैसिलिटियां जिहड़ियां पहले नहीं सी वो इत्थे शुरू हो गई। पहले इत्थे 50 बैड सीगे एमरजेंसी च, हुण वो दुगना हो गया, 100 बैड हो गया। मतलब नॉर्थ इंडिया दे विच जे सरकारी हॉस्पिटल दे विच 100 बैड नहीं है। पहले इत्थे ICU का कोई भी बैड नहीं सीगा, हुण 17 हो गया। मैं देख के आया 17 बैड जिहड़े ने ऑलमोस्ट 17 दे 17 फुल रहिंदे ने। ते पहला OTs नाल जुड़ी हुई एमरजेंसी जिहड़ी है वो नहीं सी, 4 हुण OTs नाल जुड़ी हुई ने। ते इस तो अलावा सर्जिकल HDU 10 बैड हो गए हुण। ते जिहड़ा एयर कंडीशन ते ऑक्सीजन का कम अधूरा पिया सी वो पूरा हो गया। सो बाकी क्योंकि पटियाला मालवे का सारा एरिया जिहड़ा पटियाला कवर करता है, गंगानगर तो लैके भी जिहड़े लोग मरीजों नूं रैफर किया जाता है बठिंडे तो संगरूर तो, ते ट्रॉमा सेंटर की बड़ी मांग सी इतों, क्योंकि इतों भी बहुत सारे मरीज PGI रिकमेंड किए जाते हैं। सो ट्रॉमा सेंटर लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 68 करोड़ 74 लाख रुपया मंजूर किया इतने ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा, ताकि जोड़े मरीज आते हैं उन चंडीगढ़, क्योंकि PGI ऑलरेडी ओवरबुक हो गया, ओवर क्राउड हो गया, उत्थे भी बहुत ज़्यादा जोड़ा डॉक्टर जोड़े ने वो भी एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं, तो समा भी बचता 2 घंटे जोड़ा वो जीवन लिए बहुत जोड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो स्पोर्ट्स हॉल वास्ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 5.25 लाख रुपया, 5.25 करोड़ रुपया रखे। तो मल्टीपल मल्टी स्टोरी हाउसिज ने जोड़े फैकल्टी जो डॉक्टर ने उन्होंने 15 करोड़ 58 लाख, तो मल्टी स्टोरी घर जोड़े डॉक्टर 17 करोड़ 60 लाख, कंस्ट्रक्शन ऑफ जूनियर रेजिडेंट होटल होस्टल जोड़ा GMC जूनियर डॉक्टर 13 करोड़ 52 लाख, तो मल्टी स्टोरी हाउस फॉर क्लास 3 क्लास 4 रिंदरा अस्पताल के जिन्हें भी दर्जा 3 दर्जा 4 के घर चलते उन्होंने मल्टी स्टोरी जो घर ने वो वास्ते 76.32 करोड़, तो एक कैदियों वास्ते अलग वार्ड ताकि उन्होंने अलग तो रखा जा सके वो वास्ते 23 लाख रुपया हो, कुल 196.81 करोड़, दैन लगभग 200 करोड़ रुपया रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला के मेडिकल कॉलेज पटियाला अपग्रेडेशन से असं मंजूर किया। आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली के भी पंजाब ये मोटिव है हैल्थ एंड एजुकेशन। सो आम आदमी क्लीनिक भी खुल रहे हैं, हस्पतालों अपडेट कर रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंग जिहड़ियां ने जिथे तारा लमकदियां सी बहुत ही ज़्यादा इरेगुलेटरी सी गंदगी सी उन्होंने साफ करके जिहड़ा मरीज लई अद्धा तो माहौल ही जिहड़ा उन्होंने ठीक कर दिंदा है, उन्होंने चंगा हॉस्पिटल मिल जाए, डॉक्टर चंगे मिल लैन, उन्होंने जिहड़े इक्विपमेंट सारे अपडेटड हो जो अज के जमाने चाहिए ने, तो अद्धा मरीज का जिहड़ा हौसला वो उन्होंने ठीक कर दिंदा है। डॉक्टर की भर्ती भी होगी, क्योंकि जो हस्पताल बनावेंगे मोहल्ला क्लिनिक बनावेंगे तो सू डॉक्टर चाहिए है, फार्मासिस्ट चाहिए है, नर्सा चाहिए है, सो सू हेल्थ वर्कर चाहिए है, सो वो भी आने वाले दिन बड़ी स्कीम कैप्टन साहब की बड़ी अच्छी एक खबर कल आई है, सरकारी स्कूल दिया 2 बच्चिया सरकारी कन्या स्कूल बुढ़लाडा दिया 2 बच्चिया उन्होंने 8वीं दे विचों पंजाब दे विचों पहला नंबर हासिल किया, दोनों ने 600 चो 600 नंबर दोनों ने, असी फस्ट सैकेंड नहीं कहना उन्होंने, असी उन्होंने दोनों फस्ट कहेंगे क्योंकि दोनों ने 600 चो 600 नंबर लए ने। तो मतलब पहली पोजिशन जी 2 कुड़ियां ने शेयर की है, बसियां स्कूल तो लुधियाने जिले उतों की कुड़ी ने 598 लैके दूजा नंबर हासिल किया। तो मैं अज उन्होंने अपने घर बुलाया चाहते चंडीगढ़ में जाकर मिलूंगा,
51 हज़ार रुपया तीन बच्चियां इकसर महाराष्ट्री उन्होंने जो टीचर ने उन्होंने भी एप्रीशिएशन लैटर क्योंकि उन्होंने टीचर ने वो बच्चे तैयार किए और सरकारी स्कूलों की जी एजुकेशन है इतों ये पता लग गया कि असी उहदे वल किन्ना ध्यान दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे ने टॉप किया है 100% नंबर लैके सो आने वाले दिनों एजुकेशन साडा प्रायोरिटी है होर भी बहुत सारे टॉपर जिहड़े ने सरकारी स्कूल डॉक्टर बनणगे इंजीनियर बनणगे नीट करनगे जिथे जिथे भी सरकारी स्कूलों के टॉपर जाणगे पंजाब सरकार का जो मोटिव यही है कि बच्चे जिहड़े ने वड्डियां उच्च उच्च पदवियां दीआं डिग्रियां लैके ते अपने वह नियुक्ति पत्र कमी ना हो क्योंकि जिस दिन आपां चलाता उस तो बाद कोई कमी निकलिया हो फिर उन्हें रोकना जिहड़ा है वाजब नहीं तो इस करके उस दे पहला ड्राई रन उहदा कर लिया खाली बसा नाल मान साहब जिंदा बात ते गल कर लिया मैडम साहब सो आने वाले दिनों दे विच जिहड़ा पटियाले दा बस स्टैंड है बार बार जिहड़ा बने वो उन्हें जनता के हवाले कर दिता जाऊगा पब्लिक के हवाले कर दिता जाऊगा तो यह भी जिहड़ा बस स्टैंड है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अच्छ 62वां स्थापना दिवस है अज तो 62 साल पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी बनी सी अज मैं उत्थे भी जाके आया सो असी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि साडे जिहड़े विद्यक अदारे साडा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर साडी बिजली साडियां सड़कां साडे जिहड़े स्कूल ने वो अपडेटेड होन अपग्रेडेड होन ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਮਾਨਸਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਭਾ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਪੀਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੂਗਾ दूजे पासे हटा के इधर ले लिया ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਐਚਐਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੂਗੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਸਟਾਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਸਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।